हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज है 29th of January, टाइम हो गया है 11:58। तो 2 मिनट बाकी हैं अगला दिन शुरू होने में, यानी कि 12 बज जाएंगे और शुरू हो जाएगा 30th of January। तो आज है कुलदीप जी का बर्थडे, तो हम जा रहे हैं उनको विश करने के लिए। तो चलिए हमारे साथ। हो चुका है यार, जाओ एक मिनट। लेट कर रहे हो, मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, चल यार। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। स्टफी भी उठ गया। स्टफो पापा का बर्थडे है। कौन स्टफी कैसे बैठा है? स्टफो मैं नहीं, देखो उधर कहता मेरे को उठा देना आप, और उठा नहीं, और स्टफी बेचारा सो रहा था, उठ के आ गया। तो शुरू हो गया है एक और नया दिन, थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा स्पेशल। प्राणायाम कर चुकी हूँ और उसके बाद मेरा एनर्जी लेवल हाइट पे होता है। इंटरनल ऑर्गन्स की सफाई के लिए लेमन वाटर, और उसके बाद शुरू करेंगे अपना अगला काम। जैस्मिन पानी। जैस्मिन पानी पी के दोबारा सो जाती है और मेरी किचन रूटीन शुरू हो जाती है ड्राई हो चुके बर्तनों की सेटिंग के साथ। और दिन का फर्स्ट मील उदय के टिफ़िन के लिए ही बनता है, तो आज बना रही हूँ मैं उसके लिए वेजिटेबल स्टिर फ्राई। झटपट बनने वाली रेसिपी है। वेजिटेबल्स मेरी ऑलरेडी चॉप्ड होती हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है सारा काम। इस रेसिपी के लिए 2 आलू भी मेरे को चाहिए थे, वो तो फ्रेशली ही काटने पड़ते हैं। उसके बाद प्रेशर कुकर में थोड़ा सा ऑयल लिया है, जीरा डाला है, चाट मसाला और काली मिर्च का पाउडर, बस यही तीनों चीज़ें डालनी हैं। उसके बाद डाल देनी है उसमें वेजिटेबल्स, गाजर ली है मैंने यहाँ पे, मटर डाले हैं और साथ ही डाल दिए हैं कटे हुए आलू। और कुछ भी आपको प्याज टमाटर डालने की ज़रूरत नहीं है। और सीजनिंग के लिए थोड़ा सा सॉल्ट और टर्मरिक पाउडर। प्रेशर कुकर बंद कर देना है, एक विसल आए उसके बाद गैस बंद कर देंगे। जाओ चलो। Alexa, time. The time is 6:08 AM. उठो। उठ रहा हूँ। उसके ब्रेकफास्ट के लिए बनाऊंगी मैं एग परांठा, जो कि डोसा की फॉर्म में बनेगा, और ये ब्रेकफास्ट हमारे भी काम आ जाएगा। हाफ अ कप लिया है मैंने मैदा और हाफ कप लिया है यहाँ पे गेहूं का आटा, थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, साथ ही मोजरेला चीज़, साथ ही उसमें डाल दिया है कटा हुआ धनिया। अब डाल दूंगी इसमें 2 अंडे। आप चाहें तो इसे सिर्फ गेहूं के आटे या सिर्फ मैदे के साथ भी बना सकते हैं, सबको मिक्स कर लेना है। साथ ही डाला है चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो। अब डाल देंगे इसमें दूध। दूध आपने डालना है तब तक कि लिक्विड फॉर्म में ना आ जाए। मैंने यहाँ पे 1.5 कप के अराउंड दूध डाला था, और विस्कर की हेल्प से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब उदय आएगा तभी उसे बना के दूंगी, तब तक लंच के लिए दाल बना लेती हूँ। रात को ही भिगो दिया था मैंने लोबिया और मोठ की दाल। टाइम हुआ है 6:15 और उदय की बस आती है 7:10 के अराउंड, तो अगर लगे हाथ इसी टाइम लंच की सब्जी भी रेडी हो जाए तो काम काफ़ी हल्का हो जाता है। रात को टीवी देखते हुए अगर चॉपिंग करके रखी हो तो सुबह 1 सब्जी बनाएं, 2 या 3, सब फटाफट हो जाता है।
लोबिया बनाने के लिए तड़का दो तरह से लगाएंगे। पहले पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है और लंबे स्लाइसेस में कटा हुआ अदरक और प्याज डाल दिया है। इसके बाद डाला है इसमें मैंने नारियल का बूरा। इसे थोड़ा सा रोस्ट करेंगे प्याज और अदरक के साथ। और दूसरी तरफ प्रेशर कुकर में थोड़ा सा ऑयल डालकर उसमें डाला है मस्टर्ड सीड, जीरा और साथ ही डाला है हींग। प्याज डाल देंगे जो हमने बारीक काट के रखा था। नारियल का बूरा हल्का सा रोस्ट हो जाए तो गैस बंद कर देंगे और उसे ठंडा होने देंगे। और दूसरी तरफ डाल देंगे हम कटे हुए टमाटर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट डालेंगे, हल्दी डालेंगे और साथ डालेंगे रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला। टमाटर को अच्छे से गलने देते हैं और तब तक ग्राइंड कर लेते हैं प्याज, अदरक और साथ ही नारियल बूरे का मिक्सचर। तो ग्राइंड करने के बाद उसका पेस्ट बना लिया और उसी में डाल दिया हमने। साथ ही डाल देंगे हम लोबिया और मोठ की दाल। थोड़ा सा पानी डाला और प्रेशर कुकर कर देंगे बंद। दाल में एक विसल आ जाए तो फ्लेम लो कर देना है और उसके बाद 25 मिनट तक उसे लो फ्लेम पे ही पकाना है। अब फटाफट से मैं परांठा रेडी कर लेती हूँ क्योंकि उदे भी तैयार होके नीचे आने ही वाला है। तो बस इसे ऐसे ही नॉनस्टिक पैन पे आपने डालना है बैटर को और डोसे की तरह इसे पका लेना है। और साथ ही प्लेन परांठे भी बना रही हूँ उसके टिफिन के लिए। और एग परांठा को इसी तरह से पलटते रहना है, दोनों साइड से ब्राउन हो जाए तो ये तैयार हो जाएगा। बस इसे रोल करेंगे, बहुत ही सॉफ्ट बनता है ये और टेस्टी भी। Bruno, oh my god, excited, watch out, bus, okay, calm down. Bye. वेट, रेडी। स्टफी को मैं वॉक से लेके वापस आई तो जैस्मिन भी कॉलेज के लिए रेडी हो चुकी थी। तो फटाफट से उसके लिए भी वही एग परांठा बना दिया मैंने। टिफ़िन आजकल वो खास कुछ लेके जाती नहीं, एक फ्रूट या फिर ड्राई फ्रूट ले जाती है और लंच घर आके ही करती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद मुझे केक दिखा रही थी कि शाम को पापा के बर्थडे के लिए कौन सा केक ऑर्डर करना चाहिए। अभी ऑर्डर कर देगी तो कॉलेज से आते वक्त लेके आएगी। हाँ जी ब्रूनो जी, आ गए आप? हाँ, निकलने दे पहले, वो तक जैस्मिन जा रही है। सुबह 4 बजे के गए हुए हस्बैंड भी इसी टाइम गोडाउन से वापस आते हैं और अपने जन्मदिन पे आते ही मम्मा से आशीर्वाद दिया एंड शी गॉट इमोशनल। हर माँ की तरह वो भी अपने बेटे से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं। बहुत सारा आशीर्वाद दिया उन्होंने, बहुत सारी दुआएं दी और अब उनके जन्मदिन पे अपनी तरफ से बना रही हैं देसी घी का हलवा जिसमें बहुत सारा देसी घी डाला है। श्री गुरुद्वारा साहिब में इसी तरह का देसी घी का गेहूं के आटे से बना हुआ कड़ाह प्रसाद बनता है जो कि बहुत ही टेस्टी होता है। तो इस वक्त इस हलवे की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है। तो देसी घी का ये हलवा साथ ही शाम को केक भी होगा तो बहुत सारा मीठा हो जाएगा। और अगर मुझे ये सब खानी है तो कुछ चीजों को मुझे अपनी डाइट में से आज काटना भी होगा क्योंकि ये हलवा तो मैं किसी भी कंडीशन में स्किप नहीं कर सकती। सो रहे हो? चलो खाना खाओ, ईट। पहले मम्मा ने हलवे का भोग लगाया, उसके बाद ब्रेकफास्ट में सबको सर्व भी कर दिया। पापा आज डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं तो उन्होंने ब्रेकफास्ट सबसे पहले कर लिया था। मैं अभी ब्रेकफास्ट नहीं करूंगी क्योंकि मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट में स्मूदी बना रही हूं क्योंकि हलवा अभी मैं नहीं खा सकती हूं। मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी अभी के अभी क्योंकि शाम को कोई चांस नहीं है कि आज एक्सरसाइज हो पाएगी। स्मूदी में बनाना डाला है, साथ ही अनार के कुछ दाने डाले हैं, फ्लैक्स सीड डाला है, प्रोटीन पाउडर डाला है, चिया सीड डाले हैं और बस थोड़ा सा दही और पानी डाल के बना दी है स्मूदी। और स्मूदी पीते पीते फटाफट से अपना फ़ोन भी चेक कर लूँगी।
कल जो कपड़े वॉश किए थे वो धूप अच्छी ना होने की वजह से सूख नहीं पाए, तो उनको अंदर ही डाल दिया था मैंने ग्रिल पे। तो अब बस धूप निकल गई है तो बाहर सूखने के लिए डाल दूंगी, और उसके बाद 1 से 1.5 घंटा मुझे लगता है अपना क्लीनिंग पार्ट करने में। अगर हम डेली 1 घंटा भी घर की क्लीनिंग को देते हैं, जिसमें कि रोज़ डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ को हम क्लीन करते हैं, तो आई डोंट थिंक कि हमारे घर का कोई भी एक ऐसा एरिया होता होगा जो बहुत ज़्यादा डर्टी होता होगा। उसके बाद शुरू किया मैंने अपना वर्कआउट। तो ये 8 स्टेयर्स हैं, एक बार चढ़ना और एक बार उतरना, और उसके बाद 5 स्क्वाट्स, और इस एक्सरसाइज के 5 रेपिटेशंस के साथ 4 सेट लगाऊंगी। मेरी एज 42 ईयर्स है, और कई बार हम सोचते हैं कि इस तरह की एक्सरसाइजेज हमें नी प्रॉब्लम दे सकती हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे हो ना हो, अगर मैं ये एक्सरसाइजेज नहीं करूँगी तो ज़रूर मुझे नी प्रॉब्लम हो जाएगी। काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, बॉडी का स्टेमिना और फ्लेक्सीबिलिटी दोनों ही सेट हैं। आप भी कर सकते हैं और ज़रूर करें, लेकिन स्टार्टिंग वॉक करने या हल्की एक्सरसाइज से करें। माउंटेन क्लाइंबर्स, पुशअप्स, रिवर्स क्रंचेज हों या फिर कर्लअप्स, कोई भी एक्सरसाइज हो, हर एक्सरसाइज के मिनिमम 3-3 सेट्स लगाने तो ज़रूरी ही हैं। रेपिटेशंस आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। वेट के साथ एक्सरसाइज करना बढ़ती एज के लिए और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है। और अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो एक्सरसाइजेस को चेंज करते रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो रात को ही सोच लेती हूँ कि कल कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, जिससे कि वर्कआउट में इंटरेस्ट भी बना रहता है। उसके बाद जल्दी से शार लिया, चपातियाँ बनानी थी आके और सैलड रेडी करना था, तो गाजर डाली है, टमाटर और प्याज डाल के, ऑलिव ऑयल डाल दिया, थोड़ा सा लेमन डाला है, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, और सैलड रेडी हो गया। तो ये वही वाली दाल, रोंगी और साथ में मोठ की दाल, साथ में थोड़ा सा हलवा लिया है मैंने, सैलड लिया है, चपाती और राइस को बिल्कुल स्किप कर रही हूँ। हलवे में बहुत सारा फैट है तो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स मुझे नहीं चाहिए। धूप में बैठा है आराम से। एक चुमी थोड़ा सा खराब हो गया आंटी से दिया ऊपर। गुड। कॉलेज से आके जैस्मिन ने अभी लंच ही किया था, और साथ ही उसका ऑर्डर भी आ गया शीन से। जैसा कि मैंने पहले बताया था, गोवा जाने की तैयारी कर रही है मैडम, तो फाइनली उसका ऑर्डर भी टाइम पे आ गया। कपड़े सूख चुके थे, उन्हें उतारने के लिए मैं छत पे आई तो देखा अभी भी ब्रूनो नीचे सो रहा था, और उसे देख के स्टफी का पूरा मन था नीचे जाके खेलने का, और उसके बाद छोड़ दिया मैंने स्टफी को थोड़ी देर ब्रूनो के साथ खेलने के लिए। शाम को मुझे मार्केट का कुछ काम था, वहाँ से वापस आई तो मम्मा ऑलरेडी चाय बना रहे थे। आज मेरा मन था कि हस्बैंड के लिए कुछ स्पेशल डिनर बनाऊंगी, लेकिन बच्चों ने अपना मेन्यू सेट कर रखा था, उन्हें चिकन बर्गर और चिकन पास्ता खाना था, तो डिनर में कुछ भी और बनाने का प्रोग्राम फिर मैंने कैंसिल किया। इसीलिए मैं कैबेज लेने गई थी, क्योंकि बर्गर की फिलिंग के लिए कैबेज चाहिए थी, और उदय को ड्यूटी दे दी मैंने बर्गर बनाने की, इसीलिए वो फिलिंग रेडी करने में लग गया। किसे वोट दे रहे हैं और क्यों? मम्मा भी बिग बॉस के बहुत बड़े फैन हैं, रात को जल्दी सो जाते हैं तो रात को देख नहीं पाते हैं, तो उनके लिए हम रिकॉर्ड कर लेते हैं जिसे फिर वो नेक्स्ट डे देखते हैं। मैं बिग बॉस देखते हुए चॉपिंग कर लेती हूँ, अगर चॉपिंग करने के लिए कुछ ना हो तो फिर मैं भी नेक्स्ट डे देखती हूँ। तो चलिए अब कर लेते हैं पास्ता बनाने की तैयारी। कुछ इस तरह से बोनलेस चिकन मैं चिकन सैलड वगैरह बनाने के लिए रख लेती हूँ, तो इसी का यूज़ करूँगी मैं चिकन पास्ता में। उदय ने बर्गर की फिलिंग में थोड़ी कैबेज कम डाली है, थोड़ी सी वेजिटेबल्स में और डालूंगी। प्रेशर कुकर में मैंने कुछ आलू रख दिए हैं, मम्मा के लिए बर्गर पैटी बनेगी,
और वेजिटेबल्स को मैं एक साथ ही पका लूँगी क्योंकि मम्मा के लिए भी वेजिटेबल पास्ता बनेगा और हमारे चिकन पास्ता में भी वेजीज जाएंगी। व्हाइट सॉस पास्ता की रेसिपी पहले भी मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ अपने ब्लॉग्स में। तो गार्लिक डाला है थोड़े से ऑयल में और उसके बाद मैंने चिकन डाल दिया है छोटे छोटे पीसेज में कटा हुआ। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के 3 से 4 मिनट इसे पका लेना है। वेजीज थोड़ी पक चुकी हैं तो उन्हें निकाल के प्लेट में साइड रख दिया है और उसके बाद बनाऊंगी व्हाइट सॉस। पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है और उसके बाद डाल दिया है उसमें 4 चम्मच के अराउंड मैदा। मैदे को थोड़ा रोस्ट कर लेंगे और हौले हौले इसमें दूध मिलाते जाएंगे और विस्कर की हेल्प से चलाते जाएंगे और फ्रीक्वेंटली इसको चलाते रहना है ताकि इसमें लम्स ना बने। तो व्हाइट सॉस में एक साथ ही बना रही हूँ मम्मा के पास्ता के लिए भी और अपने पास्ता के लिए भी। और उसके बाद उसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा चीज़, 2 क्यूब्स यहाँ पे मैंने प्रोसेस्ड चीज़ की क्रश करके डाल दी हैं। थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, कुछ वेजिटेबल्स डाल दी हैं वेजिटेबल पास्ता में और बाकी बची हुई वेजिटेबल्स डाल दी हैं मैंने चिकन पास्ता में। थोड़ा सॉल्ट भी डाल दिया है वेजिटेबल्स में और व्हाइट सॉस ऐड कर दी है। और उसके बाद दोनों तरफ हम पास्ता डाल देंगे जो हमने पहले से बॉयल करके रखा है। तो स्टोव के 2 बर्नर्स का यूज़ करते हुए 2 तरह का पास्ता एक साथ रेडी हो गया है। उसके बाद आप चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं, ऑरिगेनो ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। पास्ता रेडी हो गया, उसके बाद मैंने बच्चों को बुला लिया था किचन में ताकि प्लेटफॉर्म के ऊपर जो एक्स्ट्रा मेस होता है उसे साथ साथ क्लीन किया जा सके। और जैस्मिन को मैंने फ्रूट्स काटने का काम दिया था क्योंकि मुझे फ्रूट क्रीम बनाना था। तो फ्रूट क्रीम बनाने के लिए मैंने मलाई ली है फ्रेश जो हमारे घर में होती ही है और विस्कर से चलाते हुए मैंने उसे थोड़ा थिक कर लिया और उसके बाद मैंने कर्ड डाला है उसमें जिसका पानी पूरी तरह से निकाल दिया था। और 2 टेबलस्पून मैंने डाला है उसमें हनी और जैस्मिन अभी अनार पील कर रही है और उधर प्लेटफॉर्म क्लीन कर रहा है। और उसके बाद हम इसमें सारा अपनी मर्जी का फ्रूट डाल देंगे, जैसे मैंने इसमें एप्पल डाला है, ग्रेप्स डाले हैं, पपाया डाला है और साथ ही डाले हैं कुछ अनार के दाने। और मम्मा के लिए बर्गर पैटी भी रेडी हो गई है जिसे मैंने आलू और पनीर को मिक्स करके बनाया है। चिकन पैटीज तो हम रेडीमेड ही यूज़ कर रहे हैं। बस अब सब कुछ तो रेडी है लेकिन कुलदीप जी अभी आए नहीं, लेकिन पापा डिनर जल्दी कर लेते हैं तो मैंने उन्हें डिनर सर्व कर दिया था और उनके ऑफिस से आते ही एक ड्यूटी उन्हें भी दी कि वो फटाफट से जूस बनाएं और तब तक हम टेबल सेट करते हैं। इंस्टाग्राम पे मैंने उनकी पिक शेयर की थी और सबकी विशेज भी मिल गई थी, सो थैंक्स अ लॉट फॉर योर ब्लेसिंग्स। डिनर बहुत यमी था बट काफ़ी हैवी भी था, सो पोर्शन कंट्रोल करके मैंने भी सब कुछ खाया। हर ओकेजन पे हम बाहर पार्टीज करने तो नहीं जाते हैं बट घर में ही थोड़ा खाना और थोड़ा डांस करके पार्टी का फील जरूर ले लेते हैं। मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि खुशियाँ सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सारा मटीरियल नहीं चाहिए, सिर्फ एक बहाना और अच्छी नीयत ही काफ़ी है, और ये बात बिल्कुल सच है। और लास्ट में एक बहुत छोटा सा गिफ्ट बर्थडे बॉय के लिए, और आपका प्यार मुझे मोटिवेट करता है अपनी हर खुशी आपके साथ शेयर करने के लिए। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।